जय श्री राम बंधु। आपके अपने चैनल हिंदू रिचुअल्स में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। विलास जी, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी का आप बहुत ज्यादा ऐड देखते होंगे पेपरों में कि घर खरीदिए, सोना खरीदिए और लो गाड़ी खरीदिए, बंगलो खरीदिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है, खरीदना भी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन क्या है कि हम मिट्टी खरीदने में सोना खरीदना भूल जाते हैं। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगलो खरीदना एक आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात है, पर वो हम कभी भी खरीद सकते हैं। उसके लिए पूरे वर्ष में कम से कम 100 से 150 विशेष मुहूर्त हैं, जब भी हम खरीदेंगे नियर अबाउट हमको वही फायदा होना है। लेकिन अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी एक ऐसा मुहूर्त है कि इस दिन हीरा खरीदने का जो है दिन है। इस दिन का किया हुआ पुण्य, हीरा मतलब इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ जन जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक कभी भी जो है नष्ट नहीं होता है। इस दिन जो भी हम जप करते हैं, पूजा करते हैं अथवा दान करते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड विलुप्त हो जाता है, पूरी सृष्टि पूरा संसार नष्ट हो जाता है, भगवान विष्णु के शरीर में समा जाता है, केवल भगवान नारायण और जल ही जल रह जाता है। उसके बावजूद क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो उस अंशी में मिल जाते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हम लोग मिल जाते हैं। और उनको भी बहुत दिनों के बाद होता होगा कि चलो भाई खेल तमाशा करें और सृष्टि का पुनर्निर्माण करें। तो जब युगों के बाद में सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है और उनके अंशी सारे जीव ब्रह्मांड का निर्माण होकर के बाहर निकलते हैं, तो हमने जो आज अक्षय तृतीया को अथवा अक्षय नवमी को पुण्य किया है, वो पुण्य हमारे साथ में रहेगा, वो कभी खत्म होगा ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, अक्षय तृतीया को, आने वाली अक्षय तृतीया है, जितना अधिक से अधिक हो सके सोना चांदी गहना, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है तो पहले से बुक करके, आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, वो सब आप कर लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, पर विशेष करके उस दिन हमें सत्कर्म करना चाहिए। अब आप पूछेंगे गुरु जी सत्कर्म क्या है, तो सत्कर्म ये पूजा पाठ दान आराधन। पूजा पाठ में आप बोलोगे कि क्या करूं, सबसे पहले सबसे सरल गणेश जी की पूजा है, अथवा आप शिव जी के भक्त हैं शिव जी की पूजा कर लीजिए, और सबसे बढ़िया तो लक्ष्मी नारायण जी का अथवा दुर्गा मैया का, जिनके भी भक्त हों सब मिलाकर के वही हैं, सारा शक्ति पुंज वही है। जैसे लड्डू का, मिठाई का ही जो है घोड़ा भी बनता है, चीनी चीनी का ही हाथी भी बनती है, और जो है चक्की भी बनती है, सब चीनी का ही है। ऐसे भगवान हमारे सब एक ही हैं, अलग अलग रूपों में कल्याण करने के लिए विराजमान हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जिनके प्रति भी आपके हृदय में गहरी लगन है, लेकिन वो भगवान हो, कथित भगवान नहीं, आजकल जो दुनिया भर के हो गए वो नहीं, जो शास्त्रीय प्रमाणिक भगवान है, जो भगवान का ये विशेष अवतार है, 24 अवतार है, उनमें भी जो है 20-21 अवतारों को विशेष मान्यता मिली है, उनमें से जिस भगवान के प्रति शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, कन्हैया जी और मैया जी, इनके प्रति जो भी है, अथवा गणपति बप्पा के, उनका दिन भर आराधन कीजिए, विशेष कीजिए। सबसे अच्छी बात है 24 घंटे का संकीर्तन कीजिए, घर भर मिलकर के कीजिए। अगर आपके पास बजट नहीं है, स्वयं चुपचाप भगवान के चरणों में बैठिए, सारा काम छोड़ करके उस दिन जो है अपने लिए रखना चाहिए। क्योंकि ये भी सच है विलास जी कि एक दिन जो है जय जय सियाराम, हम सबको पलायन करना है, संसार से जाना है। और दुनिया भर का हम बड़े बड़े लोगों को आम से लेकर खास तक देखते हैं कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हालांकि वृद्ध होने मुश्किल है आज के जमाने में, तो सारा धन उनके हाथ में चला जाता है, हम खर्च भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको यही उम्र में जब हमारा हाथ पैर चल रहा है, हमारे हाथ में रुपया है, तो जैसे आज आपने थोड़ा बहुत जो भी भगवान ने कराया पूरी श्रद्धा से सत्कर्म किया, ऐसे उस दिन भी हमें सत्कर्म करना चाहिए। उसी दिन भगवान परशुराम का भी अवतार है, हयग्रीव जी का अवतार है, क्योंकि हयग्रीव जी जो है पृथ्वी का रक्षण किए थे, बड़ा उनका दिव्य चरित्र है, छोटे में कहना बड़ा कठिन है, फिर कभी कहूंगा। पर उस दिन अगर हम हयग्रीव भगवान के भक्त हैं तो उनकी भी जयंती मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और परशुराम जी का एक ही चित्र ज्यादा जो है संसार में विख्यात है कि ये जो है ब्राह्मणों के बड़ा कल्याणकारी थे, लेकिन नहीं, वो सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी थे, सभी के लिए। अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर इस वातावरण में वायु चलेगी तो सबको वायु मिलेगा, जल आएगा तो सबको मिलेगा, ऐसा तो नहीं। तो जो परशुराम जी का था, वो दुष्ट राजाओं को मार करके उस पृथ्वी को जो है, जो राजाओं का काम था उन लोगों ने नहीं किया, जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ था उस समय अन्ना हजारे और तमाम लोगों ने आंदोलन किया था, राजा लोग ध्यान नहीं देते थे, ऐसे उस समय जो परशुराम जी आगे बढ़ करके और जो दुष्ट राजाओं थे उनसे जो है पृथ्वी को मुक्त कराया और प्रजा में आनंद का कारण बने वो।
तो इसलिए सभी के लिए है, तो परशुराम जयंती विशेष रूप से मनाना चाहिए। और पूजा पाठ इत्यादि अगर आप आचार्यों को, बहुत अच्छी बात है, कंपलसरी बुलाना चाहिए, करना चाहिए। नहीं बुला सकते, नहीं कर सकते हैं, तो छोटा मोटा उनके निमित्त जितना भी हो सकता दान का सामग्री अलग से रख देना चाहिए कि हे प्रभु ये आपको अर्पण है, हम अपने आचार्य पंडित पुरोहित को देंगे। आप लोग बार बार कहते होंगे कि आप आचार्य पंडित जी का नाम क्यों ले रहे हैं, पुरोहित का। पुरोहित वही होता है जो आपके हित के लिए कार्य करता है। आज के दिन निंदा करना उचित नहीं है कि आजकल तथा कथित आप ज्योतिषियों को, तमाम लोगों को देखते हैं 50-50 हजार का अंगूठी जो है पहना देंगे और कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में भी मैं अलग से चर्चा करूंगा। आपका धन हर लेते हैं, आपका शोक हरने की भावना उनके मन में नहीं रहती, उनको डर भी नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग आचरण उनका श्रेष्ठ नहीं है, उस आश्रम से नहीं आए हुए हैं, वो धन के लोभ में जो ज्योतिषी बन गए अथवा ये बन गए हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो इसलिए पुरोहित की बात होगा, पुरोहित आपके हित की रक्षा करता है, इसलिए जो है सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। स्वयं बैठ करके जप कीजिए, बैठ करके लेट करके जो भी हो सके, पूरा 24 घंटे को जाया मत जाने दीजिए। असली खजाना भरी इस दिन के लिए ये अक्षय तृतीया है, इससे बड़ा अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी से बड़ा कोई भी पर्व नहीं है। हम सभी जो जीव जंतु हैं इनके उद्धार करने के लिए इस दिन हमें अवश्य 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 जतन करके सत्कर्म करना ही चाहिए, भगवान के नाम का जप करना ही चाहिए जितना भी हो सके। छोटी सी जानकारी बंधु आपके सामने रखी, अगर उचित लगे तो आपस में शेयर करें। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम। और पुनः निवेदन है कि इसको आप केवल ये मत सोचिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अक्षय तृतीया को अवश्य जो है भगवान के नाम का जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। उस दिन को भाई मेरे जाना मत दीजिए, क्या पता अगले दिन हम ही ना हो, तो अगले दिन पर मत टालिए और जितना अधिक से अधिक हो खूब भर लीजिए अपने खजाने को। जय सियाराम।